कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की पहल पर वार्ड क्रमांक 42 के जहांगीराबाद में संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित थे। विधायक आरिफ मसूद लगातार अपने मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास के साथ साथ जनता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में ये 5वीं संजीवनी क्लिनिक खोली गई है, जिससे आम जनों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि जहांगीरबाद में संजीवनी क्लिनिक शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जहांगीरबाद में यह क्लिनिक इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि कोरोना संकट के दौरान पूरे देश में जहांगीरबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर बना था। मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने आम जनता के स्वास्थ्य और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य केंद्र हर क्षेत्र में खोलने का फैसला लिया था। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। अल्लाह का शुक्र है, भाई आरिफ मसूद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारी पूरी टीम शुक्रगुजार है और जहांगीराबाद क्षेत्र की सारी आवाम बहुत शुक्रगुजार है कि उनने हमारे जहांगीराबाद क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया आज और स्वास्थ्य का ध्यान रखा हम लोगों का। ये यहीं तक सीमित रहेगा या आगे भी बढ़ेगा? ये तो अभी फिलहाल यहाँ क्लिनिक खोली है और भाई का प्लान भी है कि यहाँ हॉस्पिटल खोलने का। ये इस वजह से यहाँ जहांगीराबाद क्षेत्र में कोई क्लिनिक नहीं थी सरकारी, जिस वजह से यहाँ के लोगों को शाकिर अली या हमीदिया जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ खुलने से जो है हम लोगों को इतनी सहूलियत मिल गई है कि अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं करा सकते हैं। 128 प्रकार की जांचें हैं और दवाएं, सर्दी खांसी बुखार जुकाम मलेरिया जो भी दवाएं वो सब यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक, देखिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है जहांगीराबाद के इलाके की, हालांकि आज ये मेरी 5वीं संजीवनी है मेरी विधानसभा में। धन्यवाद है अधिकारियों का और सरकार का कि आज ये 5वां प्रारंभ हुआ और ये जहांगीराबाद में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी कि अभी जिस तरह से कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा हार्ट सेंटर पूरे देश के अंदर जहांगीराबाद बना था, तो यहाँ पे बहुत आवश्यकता थी, इसलिए अभी इसको रेंटेड बिल्डिंग में शुरू करा है। मैंने अपनी निधि से निर्माण कार्य के लिए बोल दिया है और तत्काल नई बिल्डिंग भी 2 से 3 महीने में बन के कम्प्लीट होगी, तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और मैं शहर के लोगों से भी कहूँगा कि इन मोहल्ला क्लिनिकों का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी जाँचें फ्री में हैं, बहुत सारी दवाएँ फ्री में हैं, तो बेवजह अस्पतालों की भीड़ भी कम होगी और यहाँ पे लोगों को आपसी में घर में सुबह बीपी का है, शुगर का है, ये सारा टेस्ट कराने में लोगों को आसानी होगी। सर, लाल कृष्ण अडवाणी के पुत्र प्रतिभा अडवाणी कांग्रेस में शामिल, तो कांग्रेस बड़ा समंदर है, लोग आते और जाते रहते हैं और अच्छी बात है, जो कांग्रेस में आएगा देश कांग्रेस की विचारधारा से चलेगा, बाबा साहब की चलेगा, ये तय है, गोडसे की विचारधारा से देश चलेगा नहीं ये भी तय है। तो जो लोग आते हैं जिनको लगता है कि गांधी और अंबेडकर के साथ चलना है तो कांग्रेस में आ जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।